दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकारी संगठन की सदस्य नवदीप कौर की गिरफ्तारी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब नवदीप पर 10 मामलों की जांच करवाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिलाया है। बता दें कि नवदीप सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में गई थी, इस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवदीप कौर के मामले में आज गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि फैक्ट्री मालिकों ने जो मामला दर्ज करवाया है वो ही मामला दर्ज किया गया है, मामले की पूरी तरह से जांच की गई है। उन्होंने कहा कि यह किसानों से जुड़ा मामला नहीं है, यह यूनियन का मामला है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि युवती का केस अदालत में चल रहा है, उसकी सुनवाई कोर्ट करेगी। अमेरिकन उप प्रधान की भतीजी ने भी ट्वीट किया है। इस प्रश्न के जवाब पर विज ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। गरीब लड़की की सुनवाई नहीं हो रही, वह किसानों के लिए संघर्ष कर रही थी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि उसकी सुनवाई कोर्ट करेगी, कितने केस उस पर दर्ज है इस सवाल पर कहा कि यह मैं जांच करवाऊंगा। गौरतलब है कि दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकार संगठन के सदस्य 24 वर्षीय नवदीप 25 दिनों से ज्यादा जेल में है। बताया जा रहा है कि उनका संगठन उन वर्कर यूनियनों में शामिल है जो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ प्रदर्शन का हिस्सा है। नवदीप को 12 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था और 2 फरवरी को उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। मेरे तो अभी हफ्ते ही हुआ है, डे ऑक्सीजन हटी है। तो की जो पंजाब की रहने वाली लड़की है उस पर जो मामले दर्ज किए हैं वो भी गलत है, और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसकी उन्होंने निंदा की है। नवदीप के बारे में कहा जा रहा है कि एक मामला सामने ला के बाकी दूसरे मामले सीक्रेट रखे जा रहे हैं, अपलोड भी नहीं किए गए। नहीं देखिए, वो तो यूनियन का झगड़ा था और फैक्ट्री मालिकों ने जो मामला दर्ज कराया वही मामला दर्ज किया गया है, और पूरी तरह से उसकी पारदर्शी तरीके से सारी कार्रवाई की गई है। तो किसान आंदोलन का भी हिस्सा बन चुकी थी कुंडली बॉर्डर के ऊपर, जिसमें वो कह रही है कि पुलिस किसानों के कारण लगातार नहीं, ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये यूनियन का मामला है और इंडस्ट्रीस्ट ने जो थे उन्होंने ही उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था और उसकी मैं जांच कराऊंगा पूरी तरह से। लेकिन एक गरीब लड़की की किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो लगातार ही मजदूरों और किसानों का साथ दे रही थी। नहीं नहीं, सुनवाई तो कोर्ट में केस है, कोर्ट करेगी सुनवाई। तो कितने केस अभी तक उसके ऊपर दर्ज किए गए? अब ये मैं जांच कराऊंगा, उसके बाद ही बता सकता हूँ। तो आप मानते हैं कि एक से ज़्यादा केस है जो सामने लाके जब बाकी सीक्रेट है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा। अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी भतीजी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, इससे पहले भी जो रेहाना और कई ट्वीट आए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, हिंदुस्तान के ही कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मदद से हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.